नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका अपना MS क्लॉथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है ढींगर। तो आज हमारे स्टूडियो में पहुंच गए हैं मिस्टर साबू अब्बासी जी। जैसे कि इनके अगर करियर की अगर इनकी बात करी जाए, आज इनके जो गाने हैं वो बहुत ही चर्चित है, और बागपत क्षेत्र की अगर बात करी जाए, बागपत क्षेत्र में आज ये किसी भी परिचय के मुताज नहीं है। तो आज हम इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, जिनका नाम है साबू अब्बासी। सर, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार, और मेरे भाइयों को सबको नमस्कार है। तो सर, जैसे कि अगर बात करी जाए आपके करियर की, एक्टिंग करियर की, तो फिल्मों की तरफ, गानों की तरफ कैसे रुख मुड़ा आपका? मेरा जो था, कभी बहुत साल पहले की बात है, विजय वर्मा का गाना आया था मैडम बैड ब्लोर है, और उसमें ज़्यादा मतलब बहुत फेमस हो रहा था गाना, वो जो मैं देखो था, सुनता भी था, तो बहुत ही अच्छा लगा था एकदम सुनने में। कहते कि क्या नाम कि भाई, हाँ बहुत पॉपुलर था जैसे ही। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा करके देखते हैं जैसे भी होगा। तो कुछ दिन बाद जैसे मेरी पढ़ाई पूरी हुई होने के बाद, तो फिर थोड़ा सा कॉन्टेक्ट हुआ, मेरे एक फ्रेंड थे, दोस्त मेरे अच्छे मित्र है, और उनसे भी बात हुई काफ़ी होने के बाद। फिर प्रमोद सिंगल है, प्रमोद इसका जो गाना आया था सपने में हो गया रे कमाल रात मेरे बहू आ गई, उससे कॉन्टेक्ट हुआ। तो थोड़ा सा जब ये चीज़ें सॉन्ग वगैरह जब करने शुरुआत हुई। तो सर, जैसे कि अगर बात करें, जब आपने पहली बार घर में बात रखी कि भाई मुझे एक्टिंग लाइन में जाना है, सॉन्ग बनाने हैं, तो घर वालों को उस समय क्या रिएक्शन रहा? उस समय तो भाई सर, उस टाइम पर रिएक्शन बहुत ही क्या नाम डेंजर था। तो देखा जाए ना, जब मैंने बताया नहीं किसी को, अपने घर में भी अपने पापा को या भाई या बहन को किसी को नहीं बताया, बस यहाँ से भी ये पता था कि सबको कि हाँ ये कुछ कर रहा है, जैसे कि हलचल हो जाती है कुछ करने में। तो मैं जैसे सूट पे गया पहली बार, तो मेरी मदर जो है, मम्मी मेरी, वो बोली कि कहाँ जा रहा है। मैं कहने लगा एक दोस्त की शादी में जा रहा हूँ। तो कपड़े वपड़े ले कर गया था उनकी कि शाम तक के आ जाऊँगा। तो वे बोले कि इतने कपड़े क्या करेगा ले जाके, ये दो फ्रेंड हो रहेगा उन पर कपड़े नहीं है। इस तरह से चले गए। तो जब सूट करा था हमने, और सॉन्ग का नाम शायद बेबी डोल था। अच्छा, जो शुरुआत थी मेरी क्या नाम अच्छा था, मतलब कि शूट करा मैंने, पहली बार काम करा था मैंने। तो जैसे कि सर, अगर बात कर जाए सॉन्ग की, एक राइटर की भी जरूरत होती है, कैमरामैन की भी जरूरत है, एडिटिंग की भी जरूरत है, तो वो सब उस समय आपने कैसे करा? उस समय मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मसला क्या था कि वे सभी मतलब कि राइटर भी खुद ही थे, और लिखने वाले भी, गाने वाले भी खुद ही थे। जब तक कि इस चीज़ का मुझे पता भी नहीं था भाई कि राइटर क्या हो, क्या नाम सिंगर कैसे, मतलब कि जो भी, उसने मुझे फाइनल ऑडियो करके दी। करने के बाद शूटिंग की कुछ दिन बाद शूट करने की कह दी कि शूट करते हैं, तो माँ चलो करते हैं, फिर शूट कर लिया था बस ऐसे ही। तो जब गाना आपने कंप्लीट हो गया, तो कौन सी कंपनी से रिलीज करा वो गाना? हमने NDJ कंपनी है, उस पे क्या नाम हमने रिलीज करा था। तो क्या नाम अच्छा रिस्पांस भी मिला था, बस थोड़ा सा क्या नाम ये है कि पहचान मिल गई थी मेरे को कि हाँ कि कोई बागपत से, बागपत यूपी क्षेत्र से कोई है लड़का साबू अब्बासी, जो कि क्या नाम कुछ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला, मगर सर हाँ थोड़ी पहचान जरूर मिल गई थी उससे। पहचान अच्छी मिल गई थी, जानने लगे कि कोई बागपत में है एक साबू अब्बासी। बिल्कुल। जैसे कि सर, देखा जाए आपका जो नाम है वो समीर अब्बासी है, और इंडस्ट्री की अगर बात करें साबू अब्बासी, तो यूज नाम बदलने का सिलसिला कैसे हुआ? मसला ये था कि जो मेरे एक छोटा भाई है समीर, तो मुझे पहले से भी बहुत अच्छा नाम लगता था उसकी समीर नाम, तो साबू बहुत अच्छा वो लगे भाई, अजीब सा थोड़ा सा कि हाँ ये है। तो वैसे ही जो मैं थोड़ा सा फेमस हूँ अपने मुँह से, तो मैं कहना नहीं चाहता कि मैं फेमस हूँ, तो मेरा भाई और जो मेरे दोस्त है, जो मेरे जो ऑडियंस का प्यार, ऑडियंस उनका प्यार है जैसे भी, और बस साबू अब्बासी के नाम से ही जानते हैं, समीर अब्बासी के तो का नाम कम जानते हैं। ये बस थोड़ा सा बस समीर अब्बासी का नाम चल रहा है, एक ब्रांड हो जाएगा ये कभी को। तो अब जैसे कि आपने सॉन्ग शूट कर लिया, सॉन्ग शूट करने के बाद जब आपने उस गाना रिलीज कर दिया, घर में पता लगा, तो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? घर वालों का रिएक्शन ये था कि जब तुझे बोलते हैं ना कि पहले जब गाना रिलीज हो चुका, तो मेरा एक भाई है, लेकिन हम परिवार में 3 भाई हैं, तो भाई जब तो पढ़ा छोटे थे ज़्यादा वैसे, तो मेरी बड़ी बहन थी उसने गाना लगाया LED में,
तो गाना लगाने को सब पता था, क्योंकि मैं भाई कहता ना कि कोई अपना घर में कोई जो अपनी बात सारी बता देता है तो उसको पता था कि ये क्या कर रहा है। तो बस ऐसे ही मैंने बता दिया, बताने को रिलीज हो गया गाना, तो उनने गाना लगा दिया लेट में, तो सब देख रहे थे। पहले किसी ने कुछ भी नहीं बोला, सब पहले इस तरह से करके देख रहे थे कि क्या चल रहा है, सब गाने मतलब कि टीम आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो पहले तो किसी ने कुछ सिखाया नहीं, यानी फिर तो उसके बाद में फिर मेरे जो फादर थे, पिताजी थे मेरे, वे बोले कि अगर जब तुझे कुछ करना है इस लाइफ में या तुझे अच्छा लगता है या शौक है जो भी, तो थोड़ा अच्छे से कर ले। मतलब कि जैसे कि अब चल रहा है, जैसे कि रेणुका पवार हुई हमारी जो, हाँ जैसे कि सर अगर आपकी सोशल मीडिया की बात करी जाए, सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीरें पड़ी है रेणुका पवार जी, हरियाणा यूपी उत्तर प्रदेश की जो फेमस सिंगर भी है। ये क्या नाम, रेणुका पवार जो है ये हमारी बहन है, ठीक, और मतलब कि घर जैसे संबंध है हमारे बहुत अच्छे है, क्या नाम मतलब कि घर पे भी वैसे भी मतलब कि सभी मुझे अच्छे से तरीके से जानते हैं। और हम आपसे नहीं है काफ़ी साल से, बहुत साल हो गए जब तो रेणुका का गाना, रेणुका पवार का जो गाना आया था सुन सोनियो, उस जब से हैं हम साथ में। तो अभी थोड़ा सा चल रहा है रेणुका पवार के साथ के गाने आए, सॉन्ग आएंगे मेरे, तो देखते हैं आगे क्या होता है, और ऊपर मालिक है जैसे भी होगा। पर हाँ यह है कि क्या नाम अच्छा चल रहा है। तो बोल देते ना कि जो बोल देते ना कि क्या नाम एक एकदम हैवी ऊपर चला जाता है कि भाई ये कि भाई इस आदमी में घमंड आ गया, ये आ गया, ऐसा कुछ नहीं है उनमें। बहुत मतलब कि अच्छे है परिवार, बहुत अच्छा परिवार है उनका। मुझे भी एक तरह की मतलब कि मुझे भी अपना भाई समझते हैं रेणुका बहुत ही अच्छे तरीके से। और अभी फिलहाल में ही कुछ या एक या डेढ़ महीने में हमारा एक गाना रिलीज होएगा। कौन सा सॉन्ग है यो, क्या नाम उसके, अंगड़ाई के नाम से है गाना। अभी तो मैं फिलहाल गा के भी नहीं सुना सकता क्योंकि अभी ठीक से मुझे वो नहीं लगने का, तो इसलिए नाम बता दिया, अंगड़ाई है गाने का नाम। तो बहुत ही अच्छा गाना है, और वो देखते हैं अगले महीने या अगले डेढ़ महीने बाद रिलीज हो जाएगा। तो सर अब बात करते हैं, जैसे कि पहली बार जब लड़की के साथ शूट करते हैं थोड़ी सी मन में होती है, जिसके आरसी भी होती है। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ भी हो रहा होगा उस समय? नहीं होता ही, हमारा जो ग्रुप है ना, जैसे कि हमारे अमित भाई हो, अमित नायक जो सराय में, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रोडक्शन, हाँ हाँ, राइट चॉइस, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे मित्र अच्छे है। और उनका एक गाना भी आया था अभी फिलहाल में सराय मोड पे, ये गाना भी आया था उनका, काफ़ी क्या नाम चर्चों में रहा। तो थोड़ा सा बस हमारी टीम में जैसे कि अमित नायक हुआ और समीर उपेंद्र भाई हुए, सोनू रोहेला हुए, तो हम बस चार है जो ग्रुप में, जो हम अपना काम करते हैं। बस मैंने एक ही बात बोली अपने टीम को कि कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, अगर कोई काम कर भी रहा है तो अपना तरीके से करे, अच्छा करे, ये नहीं कि भाई ये कर दिया ये कर, मतलब ये ज़्यादा अलतू फालतू की चीज़ करना भी ठीक नहीं लगता ना, क्योंकि दूसरा आदमी क्या सोचता है, ये सोचता है कि यार क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। पर इससे एक ना थोड़ा सा मैंने जो अपने ग्रुप को बोला है, जो करोगे तो अच्छा करो, जो दूसरा आदमी पसंद करे। अब बात करते हैं जैसे फीमेल आर्टिस्टों के लिए कहा जाता है कि जो न्यू आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट होती है उनको लोग झांसा देकर मिस यूज किया जाता है फीमेल आर्टिस्ट का, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? भाई देखो आप इसके बारे में तो ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं मैं फीमेल के बारे में, जैसे कि हमारे पास ग्रुप है लड़कियों का भी, दो तीन लड़के आए हैं बागपत से भी है, एक लड़की रिमसा आलवी जी, उनका बहुत ही अच्छा मतलब कि बहुत ही अच्छा काम है, और बहुत ही अच्छा मतलब कि आदत भी बहुत अच्छी है उनकी। और क्या नाम बस मैं तो यही कहूँगा भी हमारे जो ग्रुप है लड़कों का या क्या नाम लड़कों का, थोड़ा अच्छे से काम करे कोई, और जो भी मैंने से बनेगा सपोर्ट की जो भी ज़रूरत होगी, मैं जैसे भी हूँ मतलब कि मेरे पास मैं जैसे भी हूँ मैं सब करने को तैयार हूँ, मतलब कि अच्छा करें बस। तो सर अब जैसे कि बात करते हैं, आई दिन किसी ना किसी की खबरें आती रहती है उस आर्टिस्ट का उस फीमेल आर्टिस्ट के साथ अफेयर हो गया या उस फीमेल आर्टिस्ट का उस मेल आर्टिस्ट के साथ अफेयर हो गया, आज तक आपकी कोई ऐसी खबर नहीं आई, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, या इंडस्ट्री की कोई लड़की पसंद नहीं आई? मसला ये है कि मैं जब मैं काम करता हूँ या सॉन्ग वगैरह या फिल्म वगैरह, फिल्म तो मैंने शायद करी नहीं अभी, बस एक मतलब कि एक आया था मेरे पास तो फिल्म के लिए बोल रहा था,
तो मैंने उसको मना कर दिया कि हम अभी थोड़ा सा जो काम हमारा। अगर आपकी सॉन्ग की बात करें, सॉन्ग के तो आजकल अगर आप डीजे जो होता है वो मैं नाम कर रखा आपके सॉन्ग में, हर जगह कहीं ना कहीं आपका गाना चलता मिलता रहता है जी। तो अभी जो बात हमने की थी फीमेल के बारे में, तो मसला क्या है अभी है, मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस देता हूँ मैं, कि ये नहीं कि फीमेल पे ये हीरोइन आ रही है यार ऐसा प्रपोज या मुझे मेरे को प्रपोज कर रही है, मेरा मैं ऐसा कोई वो नहीं है मसला। बस मैं सिर्फ जिसके रिलेशन में था, मैं एक ही लड़की थी वो, क्या नाम है इसका, बस मैं उसका नाम नहीं खोलूँगा यार, ये बात कड़ी हो गई, उसका नाम नहीं खोलूँगा। पर हाँ, तो आज उससे क्या कुछ कहना चाहोगे अगर वो इंटरव्यू देख रही होगी तो? अगर बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो मेरा ये इंटरव्यू देख रही होगी तो बस ये कहूँगा कि उसने छोड़ा है, पता नहीं नहीं छोड़ा भी तो ये भी नहीं पता है कि ब्रेकअप हुआ नहीं हुआ, पर बात करनी बंद होगी जैसे भी है, पर यही कहूँगा बस जहाँ भी है वो जैसे भी है अपना खुश रहे और हम अपना काम कर ही रहे हैं। तो लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? मैं लास्ट यही कहना चाहूँगा कि भाई जो काम हो रहा है, जैसे आर्टिस्ट है और लोग भी है जैसे भी है, अपना अच्छा काम करें और जैसे भी के नाम चल रहा है उसे और हाई लेवल करें काम को, और बेहतरीन एकदम रिस्पॉन्स, मतलब कि बेहतरीन जो एकदम जो दूसरा आदमी देख के कहे कि भाई फला ये है ना ये जा रहा है साबू अब्बासी और ये समीर उपेद्या सोमला जा रहे हैं, ये कहना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस यही चीज़ आदमी के मुँह से सुन लेते हैं ना तो पता है आदमी। अभी मैं फ़िलहाल में भी बता दूँ, अभी जैसे कि हम आ रहे थे अभी गाड़ी में बैठे हैं, तो बागपत जैसे हम बागपत से चले तो बागपत से ही साबू अब्बासी है गाने बनाता है लड़का, तो आदमी क्या चाहिए, एक प्यार चाहिए। अब वो लड़का प्यार से बोल रहा है कि साबू अब्बासी अपने फ्रेंड को, क्योंकि साबू अब्बासी है ही गाने बनाते हैं, रेणुका पवार और क्या नाम इनके कॉन्टिन्यूटर भी इनकी टीम में है, ये बहुत अच्छे है क्या नाम। तो जब उन लोगों ने एकदम यूट्यूब खोला, अभी मैं पीछे से R15 बाइक लेकर आया हूँ, तो मैंने यूट्यूब पे उसको नाम लिखवा दिया, मैंने साबू अब्बासी यूट्यूब का बटन निशान लगवा दिया, तो जहाँ भी बाइक खड़ी रहती है ना जैसे कि देखता है कि देखने के बाद ये साबू अब्बासी, वो तुरंत सर्च करता है कि साबू अब्बासी और देखता है, देखने के बाद लाइक भी करता है, ये प्यार है बस पब्लिक का, थोड़ा बहुत ऐसे ही प्यार बना रखे बस अपना ऐसे ही। कैसा लगा आपको जानकर साबू अब्बासी जी के बारे में? प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। कैमरामैन सोनू सूद के साथ MS Glow के, जय भारत, वंदे मातरम।